नमस्कार जी, मैं धनराज अहलावत आ चुका हूँ बनवासा गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनवासा गांव के सरपंच टेकराम जी। आइए करते हैं इनसे बातचीत, इनके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या कार्य करवाना चाहते हैं। टेकराम जी ना धर्म की राजनीति करते हैं, न जाति की राजनीति करते हैं, अपने बनवासा गाँव का विकास करवाना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गाँव में क्या क्या समस्याएं, क्या कार्य आप करवाना चाहते हो। कार्य एक तो खेतों के रास्ते पक्के होने चाहिए, हमारे किसानों ने बड़ी दिक्कत रहा है, बारिश होने पर राह नहीं रहती, हमारे रास्ते खराब हो जाते हैं। एक कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है गांव में, फिरनी है, फिरनी भी हमारी कच्ची है, एक गांव में पक्की फिरनी हो रही है, हमारे गांव में कच्ची फिरनी है। स्टेडियम है जो बच्चों में खेलने के लिए, वो भी हमारा अधूरा पड़ा है। आपने प्रस्ताव में क्या कह दिया प्रधान जी? प्रस्ताव मैंने फिरनी भी दे रखी है, खेतों के रास्ते भी दे रखे हैं, कम्युनिटी सेंटर भी दे रखा है, कई चीज़ें दे रखी हैं। स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? स्कूल की व्यवस्था ठीक है। पहले से स्कूलों में बच्चे की संख्या बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, उतनी है, को कम नहीं हुई ना बढ़ी है, वैसे ही जितने बच्चे जाते थे ना उतने ही बच्चे जाते हैं। तो आगे और बच्चों की संख्या बढ़े इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने वाले हो प्रधान जी? हाँ, चलावांगे जी। आपके यहाँ पर जो खेल स्टेडियम भी है? हाँ, खेल स्टेडियम है। गाँव में किस खेल से संबंधित ज्यादा खिलाड़ी? उसका कुश्ती के हैं जी हमारे, कुश्ती के। हाँ, कुश्ती के। तो कुश्ती के जो कोच हैं, कबड्डी भी हैं, कबड्डी और कुश्ती के कोच भी हैं? कोच नहीं है हमारे यहाँ, सरकारी कोच नहीं लगे। सरकारी कोच नहीं लग रहा। तो ट्रेनिंग किस प्रकार लेते हैं? ट्रेनिंग वो अपने इसमें प्राइवेट में लेते हैं। प्राइवेट मतलब अपनी खुद की? हाँ, खुद की जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं, उसमें करते हैं। जैसे सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के क्षेत्र में युवा आगे आए, और हमेशा खिलाड़ियों की एक मांग रही है कि उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती कि जो चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हो कि आपके गांव में खेल स्टेडियम है, लेकिन जो कोच है वो नहीं है। कोच भी नहीं है, पूरा तैयार भी नहीं हो रहा, अधूरा पड़ा है। अधूरा है, अधूरा पड़ा है हमारा, वो भी पूरा होना चाहिए। तो उसके बारे में अधिकारियों से मिले हो आप? मिला हूँ मैं, अब तक उसका कोई वो नहीं हो रहा। क्या आश्वासन मिला उनसे? आश्वासन तो कहें देखो करवा देंगे, इसका पूरा काम हो जाएगा। जैसे हमने देखा प्रधान जी, कुछ गांव में गंदे पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है, और तो और कई गांव में तो हमने देखा है गंदे पानी की जो निकासी है वो तालाबों में होती है। तो और तालाब और फ्लो हो गए वो गांव की तरफ ही पानी निकासी होती है, और या खेतों की तरफ जाता है पानी। तो आपके यहाँ पर कैसी स्थिति है? ड्रेन में करवाया है, कुछ तो पानी करवा रखा है, कुछ और करवाना, नाले बनवाएंगे। नाला नहीं बना हुआ है? नहीं, पूरा नाला नहीं हो रहा है अभी। ड्रेन में कैसे पानी जा रहा है? ड्रेन में एक नाले से जा रहा है, बाकी पानी जोड़ में जाता, तालाब में जाता है। जो अभी एक नाले से जा रहा है वो कच्चा है नाला या पक्का है? पक्का है। पक्का है? हाँ, वो पक्का नाला हो रहा है। एक किसानों से संबंधित क्या क्या समस्या है प्रधान जी? किसानों से संबंधित तो ये रास्ते वाली ज्यादा है, रास्ते कच्चे, सारे रास्ते कच्चे, सारे रास्ते कच्चे हैं, खराब रास्ते हो गया। फिर बरसात के मौसम में तो काफी परेशानी होती है, काफी के जाड़े नहीं पाते खेत में किसान है, और ट्रैक्टर वगैरह भी फंसे हैं। ट्रैक्टर तो फंसे ही फंसे हैं जी, पैदल का भी रास्ता नहीं, पैदल का भी रास्ता नहीं, पैदल का भी रास्ता नहीं रहता। एक महिलाओं को लेकर सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर, इस प्रकार की योजनाएं भी लेके आने वाले हो? ले आने वाली है ये तो योजना, लेके कर रखे हमने इसका। इसके अलावा और जैसे गाँव की गलियों की बात करें तो गलियों की स्थिति कैसी है? गलियों की स्थिति ठीक है मेरे गाँव में, सारी गलियाँ पक्की हैं। हाँ, पक्की हैं, और एक आधी थी दूरी में बनवा दी हैं, दो चार गली मैंने बनवा दी हैं। और बहुत बढ़िया प्रधान जी। हाँ, एक जैसे हमने देखा प्रधान जी, कई गांव में पीने के पानी की समस्या पाई गई है, और गर्मी का मौसम आ चुका है, आप समझ सकते हो पानी की खपत ज़्यादा है, और कई कई गाँव में तो हमने देखा है पानी कई कई दिन में आता है, और कई गाँव में तो आता ही नहीं है। तो आपके यहाँ पर कैसी स्थिति है? पीने के पानी की सुविधा भी है और नहीं भी है, पाइपलाइन हमारी लीकेज हो रही है ज्यादा, पाइपलाइन लीकेज है, ज्यादा लीकेज हो रही है, दोबारा करवानी है। इसके बारे में अधिकारियों से मिले हो? मिला हूँ, एक बार गया। क्या बोल रहे हो? वो कह रहे थे दोबारा तेरी नई लाइने दबवा देंगे, नई लाइन दबवाने का आश्वासन मिला। प्रधान जी, जैसे सरकार तालाबों का सौंदर्यीकरण करवाना चाहती है, और बहुत से गांव में ये योजना चालू हो चुकी है, तो आपके यहाँ पर तालाबों की स्थिति कैसी है? मेरे गांव में तालाबों की स्थिति बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब। और मैं दो बार मैंने अधिकारियों से मिल भी लिया, दो तीन बार मैंने जिक्र भी कराया इस बात का, कोई सुविधा नहीं मिल रही अब तक, कोई सुविधा नहीं मिल रही। एक हमने देखा है प्रधान जी, जैसे कुछ गांव में बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी, और कुछ गांव में गिरदावरी भी हो गई थी, लेकिन मुआवजा अभी तक उन किसानों को नहीं मिला, कुछ गांव में मिल भी चुका है। तो आपके यहां पर जो किसानों की स्थिति कैसी है अभी?
जो उनकी मतलब बारिश या ओलावृष्टि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं हुई? ये नुकसान काफी नुकसान था किसानों को बारिश से, ओला वाला तो था नहीं, ओलावृष्टि था, बारिश से हमारा काफी नुकसान था। गाँव में कोई सुविधा नहीं मिली सरकार ने। तो गिरदावरी हुई आपके गाँव? गिरदावरी का भी नहीं पता है, हुई है कि नहीं हुई है, हमारे गए भी हमें जी, ना तो कोई समाधान नहीं हो रहा इस बात का। तो हमारे साथ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? रामवीर जी। रामवीर जी, जैसा कि प्रधान जी बता रहे हैं कि यहाँ फसलें काफ़ी ख़राब हुई हैं, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये फसल जो खराब हो रही है हमारा, इसका मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। गिरदावरी हुई थी आपके गाँव? ना जी, हमारा गाँव में गिरदावरी तक हो नहीं ली, कोई गिरदावरी नहीं, गिरदावरी नहीं हो रही है। हमारे इसका समाधान होना चाहिए, हम सरकार की घनी सहायता मांग रहे हैं, हमारे इतने कोई सहायता नहीं मिल रही। गढ़वाल का पानी टलना चाहिए, हमारा गांव की फसल सारी खराब हो गया। गढ़वाल के पानी मतलब के समाधान वो सारा पानी आपके खेतों में जला, हमारे खेतों में आओ, सारा शिमाणम खंड का पानी आओ, उसका हमारा जब्ता सरकार ने करना चाहिए, हम हाथ जोड़ के रेस्ट करा उसकी। जैसा कि प्रधान जी बता रहे हैं खेतों के रास्ते बहुत बुरे हैं, और जब बारिश आती है तो इतना कीचड़ हो जाता है उनमें कि पैदल चलना ही भारी हो जाता है, तो इसके बारे में ज्यादा ना बताओ। पूरी वो तीनों रास्ते हैं जो हमारे गांव के, तीनों खराब हैं। बारिश ना तो कम फसल संभाल सकते हैं, ना हम अपना कुछ जा सकते ना सकते, नार फूस कुछ भी नहीं ला सकते। अब तो कई बार इनको लेक भी लिया, सरकार से मांग भी कर लेगा हमारे रास्ते को पक्का करवाया जाए और इसका कुछ समाधान होना चाहिए। रही बाजी पानी की फट गई, छह गाँव का पानी आता जी हमारे गाँव में, गढ़वाल बनवा सारे नाना छपरा करो तो बड़ा दूर तक का पानी आ जाता है जी। आपकी बारिश ने सरकार ने जो पंप लगवाए हैं कुछ है। लेकिन जो बाहर का सीमा का पानी है ना उसका कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं हुआ जी। ये तो फट फट के लिए गाँव गाँव का पानी निकालने के लिए मशीन लगवाई गई है, बाहर का पानी की वो ड्रेन भी खतवाई थी, उसकी भी पूरा बांध नहीं बंधा, उसका भी मिट्टी नून तो नून हो गई, और उसके लिए पूरा समाधान ये होगा ड्रेन जो सीमा पर का पूरा बंद होगा ना, जब काम चला जी हमारे गांव का इसमें।